ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका किसी का कल का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। और आज इंशाल्लाह हमने कोर्स क्लोज करना है, शायद 15-20 मिनट या आधा घंटा एक्स्ट्रा भी लग जाए, तो जितने टाइम में भी हो जाए हम इंशाल्लाह आज ख़त्म करेंगे। जी, कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? जी हमाद, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कॉजेज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट में था, लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, इसका बता दें सर। जी देखें, पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी का मतलब है कि कोई इकोनॉमी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, उस कंट्री में फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज अच्छी नहीं बन रही, या उस कंट्री के कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उस कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाता है, इन्वेस्टमेंट्स कम होना शुरू हो जाती हैं, GDP ग्रोथ श्रिंक हो रही है, बेरोजगारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। यानी ये लॉन्ग रन में आपको स्लोली नजर आएगा, शायद 5 साल 10 साल 15 साल लग जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता जब किसी कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल, उसकी कैपेसिटी, उसकी इन्वेस्टमेंट लेवल डाउन चले जाएं, तो ऐसी इकोनॉमीज भी या ऐसी इकोनॉमीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता डेफिसिट में चला जाता है। क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी श्रिंक होगी, फिर साफ जाहिर है वहां पे प्रोडक्शन कम होगी, आउटपुट लेवल रिड्यूस हो जाएगा, बहुत सी प्रोडक्ट्स आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, तो इस वजह से फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा सकता है। जी और किसी का भी कोई क्वेश्चन? Any other question? Okay, then next हमारे पास टॉपिक है एक्सचेंज रेट। यहां तक जो हमारे क्वेश्चन थे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 4-5 क्वेश्चन थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बेसिक कंपोजिशन, उसका डिसइक्विलिब्रियम, कॉजेज क्या है, सॉल्यूशन क्या है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पाकिस्तान के सिनारियो में भी, यानी वही कॉजेज और वही सॉल्यूशन जो है स्पेसिफिकली पाकिस्तान के सिनारियो में भी डिस्कस हुए हैं, वो मैंने जस्ट फॉर द सेंस जो है इस सेंस में स्किप कर दिया कि आप उसको रीड कर लीजिएगा, उसमें कोई ऐसा ज्यादा डिफरेंट चीज नहीं है। सिर्फ जो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम की कॉजेज पढ़ी हैं, उन्हीं कॉजेज को पाकिस्तान के सिनारियो में एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान में उनमें से क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान का भी बैलेंस ऑफ पेमेंट पिछले 40-50 साल से ज्यादातर, यानी अगर आप पूरे 70-75 साल का भी डाटा लें तो शायद 2-4 साल 5 साल ही ऐसे गुजरे हों कि हम सरप्लस में रहे हैं, बाकी तो ज्यादातर डेफिसिट है। खास तौर पे पिछले 25-30 साल से तो डेफिसिट में है, हर साल ही बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता है। तो उसकी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कॉजेज क्या है और उनका पाकिस्तान में स्पेसिफिकली उसके लिए सजेशंस क्या है। ओके, वो तो जस्ट रीडिंग सेंस में है कि वो पाकिस्तान के सिनारियो में भी पूछ ले तो आप उसको आंसर कर दें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्सचेंज रेट का। इसमें आप कह ले 5 से 6 हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सचेंज रेट होता क्या है, उसकी डिफरेंट 2-3 थ्योरीज हैं, उसकी टाइप्स हैं, फिर करेंसी की डीवैल्यूएशन क्या है और उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। ओके जी, देन सबसे पहला हमारे पास सिचुएशन या टॉपिक, व्हाट इज एक्सचेंज रेट एंड एक्सप्लेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन प्रोसेस। एक्सचेंज रेट होता क्या है और एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन करें। सिंपल पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपर रीडिंग पे जाएंगे। एक्सचेंज रेट बेसिकली दो कंट्रीज की करेंसी का आपस में रेट ऑफ एक्सचेंज है। मसलन अगर आप आज की बात करें तो 168 पाकिस्तानी रुपीज आर इक्वल टू $1। This is the exchange rate of Pakistani currency against American dollar. अगर इसी तरह एनी अदर करेंसी के बारे में आप बात करना चाहें तो वो भी एक्सचेंज रेट है। तो सिंपली किसी भी करेंसी के अगेंस्ट हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी हमारे कितने यूनिट ऑफ करेंसी दूसरे कंट्री के कितने यूनिट ऑफ करेंसी के इक्वल हैं, इसको एक्सचेंज रेट कहा जाता है। अब जरा इसकी प्रॉपर सेंस अंडरस्टैंड करें, फिर हम इसकी थ्योरी समझेंगे। एन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज इज द रेट at which one currency will be exchanged for another. It is also known as foreign exchange rate, forex rate या FX rate. Short form में इसे FX rate भी कह दिया जाता है या forex rate भी कह दिया जाता है. It is also regarded as the value of one country's currency in terms of another currency. For example,
ये लास्ट ईयर की एडिटेड है, तो लास्ट ईयर 160 के आसपास था, 159 160 के करीब। तो 160 रुपीज इक्वल टू $1 एक्सचेंज रेट जो है, यानी हमारे करेंसी के कितने यूनिट्स जो हैं वो फॉरेन करेंसी के वन यूनिट के इक्वल हैं। एन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, यानी इसका मतलब ये है कि असल में हम एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू या प्राइस इन अदर करेंसी देखना चाहते हैं। आप ये कह लें कि पाकिस्तानी 160 रुपए क्या परचेज कर सकते हैं, $1 परचेज कर सकते हैं, यानी इन अदर इन द फॉर्म ऑफ अदर करेंसी, और कौन सी करेंसी है और कितने यूनिट जो है वो परचेज कर सकती है। इंडिविजुअल्स कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स नीड फॉरेन करेंसी टू कैरी आउट देयर ट्रांजैक्शन विद अदर कंट्रीज। अब जो ये एक्सचेंज रेट है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 160 या आजकल के रेट के मुताबिक 168 रुपीज लेके मार्केट में मनी चेंजर के पास जाऊं, उसे 168 रुपीज दूं, तो वो मुझे $1 दे देगा। तो भाई मुझे $1 चाहिए क्यों, मैंने डॉलर क्या करना है करेंसी नोट। टेक्निकली स्पीकिंग या तो इंडिविजुअल्स हैं जो डॉलर परचेज करते हैं, इंडिविजुअल्स ने किसी ने आप बाहर घूमने जाना है अमेरिका, इंडिविजुअल ने किसी ने इलाज के लिए जाना है, स्टडी के लिए जाना है, तो वहां उसे फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड होगी, वो परचेज कर रहा है। फिर बिजनेस फर्म्स हैं, वो बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करती हैं, उन्होंने सारी पेमेंट डॉलर में करनी है, वो डॉलर परचेज कर रहे हैं। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने अपने डेट्स पे करने हैं, प्रिंसिपल अमाउंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे करनी है बाहर। तो यानी कि इंडिविजुअल्स भी, कंपनीज और फर्म्स भी, और गवर्नमेंट भी, इन तीनों को डॉलर्स चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, ताकि ये अपनी पेमेंट्स क्लियर कर सके। वो इंडिविजुअल लेवल पेमेंट भी हो सकती है, बिजनेस लेवल भी और गवर्नमेंटल लेवल भी हो सकती है। एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमिन्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हिच इज ओपन टू अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायर एंड सेलर। तो एक्सचेंज रेट जो है ये टेक्निकली बिल्कुल जिस तरह से एक कॉमन प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई होती है कि प्रोडक्ट को बेचने वाला भी मार्केट में है, खरीदने वाला भी है। मतलब आप फ्रूट लेने बाजार चले जाएं, एप्पल बेचने वाला सप्लाई ऑफ एप्पल भी है, एप्पल खरीदने वाला बायर ऑफ एप्पल भी है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी आम चीज की सप्लाई एंड डिमांड होती है, बिल्कुल उसी तरह से फॉरेन करेंसी की भी सप्लाई एंड डिमांड है। अगर आप लोकल मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई बढ़ाते चले जाएंगे, डॉलर सस्ता होना शुरू हो जाएगा। यानी आप इसको समझ लें एग्जांपल के तौर पे कि फर्ज करें आज एप्पल का रेट 170 रुपए पर केजी है, अगर आप डेली एप्पल की सप्लाई मार्केट में बढ़ाते चले जाएं, डिमांड से ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर दें, तो कल को एप्पल का रेट 160 पे आ जाएगा, उससे अगले दिन 150 पे, फिर 140 पे, 100, जितना आप डिमांड के मुकाबले में एप्पल की सप्लाई बढ़ाते जाएंगे, एप्पल का रेट कम होता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आप मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ाते चले जाएंगे, तो डॉलर आज 168 का है, कल 167 और बढ़ाएंगे, 166 और बढ़ाएंगे, यानी डॉलर सस्ता होता जा रहा है क्योंकि मार्केट में डॉलर ज्यादा आ गए हैं। और डॉलर की सप्लाई या डॉलर की अमाउंट कंट्रोल किसके पास है, वो हम बता चुके हैं कि रिजर्व सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ डॉलर्स कंट्री में कंट्रोल करता है। जब वो सप्लाई बढ़ाएगा डॉलर सस्ता हो जाएगा, जब वो सप्लाई कम करेगा डॉलर महंगा हो जाएगा। ये सप्लाई का बढ़ना और कम होना आपने हमेशा याद रखना है एज कंपेयर टू डिमांड बात होगी कि डिमांड कितनी है। अगर आप डिमांड से सप्लाई ज्यादा करेंगे तो डॉलर सस्ता हो जाएगा, और डिमांड से कम सप्लाई करेंगे तो डॉलर ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वर्क कैसे करती है, इसको जरा समझ लें। ये जस्ट बेसिक सा आइडिया है। डोमेस्टिक कंट्री, फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान ले रहे हैं, फॉरेन कंट्री हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। अब ये कनेक्शन किस तरह से बन रहा है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स हैं या फर्म्स हैं, तो वो क्या करती हैं, पाकिस्तानी रुपी जो है वो मनी चेंजर को या कमर्शियल बैंक को देती हैं सप्लाई ऑफ रुपी। मसलन मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने अमेरिका से या कहीं से भी कोई रॉ मटेरियल खरीदना है और उसकी पेमेंट डॉलर में करनी है, तो मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं मनी चेंजर के पास या कमर्शियल बैंक के पास जाता हूं, उसे फॉर एग्जाम्पल मैं उसे 168 बिलियन 168 अरब रुपए पाकिस्तानी देता हूं, वो मुझे बदले में $1 बिलियन आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक दे देता है। अब मैं इस $1 बिलियन का क्या करूंगा, शायद मैंने बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट करनी है, शायद मैंने बाहर से पेट्रोल इंपोर्ट करना है, व्हाटएवर, आई एम ए बिजनेसमैन, तो अब मैं प्रोडक्ट उससे इंपोर्ट, यानी टेक्निकली मैं सप्लाई रुपी की सप्लाई दूंगा कमर्शियल बैंक को, मनी चेंजर को, और उसके बदले में उससे क्या लूंगा, डिमांड फॉर डॉलर ले लूंगा, और इस डॉलर के बदले से मैं इंपोर्ट करूंगा कुछ ना कुछ, मैं गाड़ी इंपोर्ट कर लूंगा, मैं लैपटॉप इंपोर्ट कर लूंगा, मैं पेट्रोल इंपोर्ट कर लूंगा, व्हाटएवर।
दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, अमेरिकन पर्सन है, वहां की कोई कंपनी है, वो पाकिस्तान से कपड़ा खरीदना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में सितारा टेक्सटाइल है, कोहिनूर टेक्सटाइल है, अमेरिकन फर्म है, वो चाहती है हम पाकिस्तान की इस फर्म से कपड़ा खरीद लें, लेकिन जब उन्होंने पेमेंट करनी है तो ऑब्वियसली वो कन्वर्ट टू पाकिस्तानी रुपी होगा, तो वो क्या करता है, फॉरेन करेंसी मार्केट में सप्लाई करता है, मनी चेंजर या कमर्शियल बैंक को देता है डॉलर, उसके बदले में पाकिस्तानी रुपी लेता है, और उस पाकिस्तानी रुपी के बदले में प्रोडक्ट जो है वो हमारी एक्सपोर्ट में आएगी, क्योंकि हम अपने कंट्री के हिसाब से बात कर रहे हैं तो वी विल कॉल इट एक्सपोर्ट। तो फॉरनर ने डॉलर सप्लाई किया, रुपी खरीदा, और उस रुपी के बदले में हमसे कपड़ा खरीद लिया, यानी क्लॉथ जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स में आ गया, और दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल कार्स जो है वो हमारी इंपोर्ट में आ गई। तो ये बेसिक आइडिया है कि किस तरह से मनी मैकेनिज्म जो है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मैकेनिज्म, मनी मैकेनिज्म नहीं, करेंसी एक्सचेंज मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है। अब इस सिनारियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझें कि एक्सचेंज रेट क्या है और कैसे ये इंपैक्ट करेगा हमारी पॉलिसीज को, सिचुएशंस को। इनिशियल सिनारियो, पहला सिनारियो, फर्स्ट सिनारियो हम ले रहे हैं कि लेट अज्यूम डॉलर का रेट 100 है। हम आज से, आप कह ले रफली फॉर एग्जांपल, हम आज से तकरीबन 6 साल पहले की सिचुएशन में चले जाते हैं कि आज से 5 से 6 साल पहले पाकिस्तान में डॉलर का रेट 100 रुपी इक्वल टू $1 था। ओके, अब उस सिनारियो में हम बात कर रहे हैं कि लेट अज्यूम पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट है गुड ए, कपड़ा है, कोई भी चीज है, व्हाटएवर, कोई भी चीज पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है और हम उसे बेचते हैं, हमारी वो एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान की लोकल मार्केट में उसकी प्राइस है 15,000 रुपए, वैल्यू इन रुपीज कितनी बनी, 15,000, लेकिन अगर हम इसको वैल्यू इन डॉलर कैलकुलेट करना चाहें तो एक्सचेंज रेट के मुताबिक फॉरनर अगर अपने कमर्शियल बैंक को $150 देगा, तो क्योंकि $1 100 रुपए के बराबर है, 100 पाकिस्तानी रुपीज के, तो अगर वो $150 अपने कमर्शियल बैंक को देगा तो कमर्शियल बैंक उसको बदले में 15,000 रुपए पे कर देगा, और उस 15,000 रुपए से फॉरनर हमसे ये 15,000 रुपए की प्रोडक्ट खरीद लेगा। यानी टेक्निकली स्पीकिंग वी कैन से कि पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में, वो 15,000 रुपए का बिकता है, उसकी प्राइस मार्केट में जो है वो 15,000 रुपीज है। अब फॉरनर अगर हमसे ये खरीदना चाहे तो उसको ये कितने में पड़ेगा, $150 का। ओके, एक और प्रोडक्ट इसी सिनारियो में, स्टिल सिनारियो वन, एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बी, ये अमेरिका में बनती है, अमेरिका में कोई प्रोड्यूसर है, वो वहां पे मैन्युफैक्चर करता है, हम इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं जी। ओके, अमेरिका में इसकी मार्केट में कीमत है, प्राइस है $300, यानी पूरी दुनिया में से कोई भी खरीदना चाहे तो अमेरिकन $300 का ये बेचने को तैयार है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहें तो पाकिस्तानी क्या करेगा, पाकिस्तानी जो है वो बैंक में जाएगा, 30,000 रुपए वो मनी चेंजर को देगा या कमर्शियल बैंक को, 30,000 रुपए के बदले में, हर 100 रुपए के बदले में $1 बनता है, तो वो 30,000 रुपए के बदले में $300 जो है मुझे दे देगा, मैं $300 पे करके ये प्रोडक्ट अमेरिका से इंपोर्ट कर लूंगा। दिस इज द फर्स्ट सिनारियो, यानी पाकिस्तान में प्रोडक्ट ए है, टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये मार्केट में 15,000 की बिकती है, फॉरनर को ये $150 में पड़ेगी, $150। अमेरिका में एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बी, ये बिल्कुल ही कोई और प्रोडक्ट है, इनका आपस में कोई तलक नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल, प्रोडक्ट बी है, ये प्रोडक्ट बी अमेरिका में $300 की बिकती है, यानी अगर ये पाकिस्तानी खरीदना चाहे तो पाकिस्तानी को ये 30,000 रुपए की पड़ेगी। ओके, अब हम आते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। ओके, पाकिस्तान ने पिछले 4-5 सालों में रुपी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी यूज की, यानी हमने आहिस्ता आहिस्ता रुपी की वैल्यू को कम कर दिया। लेट एज्यूम आज से तकरीबन आप कह लें 1 साल पहले पाकिस्तान में 150 रुपी इक्वल टू $1 है, यानी हमने अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर दिया, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम होने दिया, हमने उसे कंट्रोल नहीं किया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, 150 रुपी इक्वल टू $1 हो गया है। अब पाकिस्तान में अगेन वही प्रोडक्ट है 15,000 रुपए की बिक रही है मार्केट में, वेल एंड गुड। अब फॉरनर वो प्रोडक्ट हमसे खरीदना चाहता है तो फॉरनर अब सिर्फ $100 अपने मनी चेंजर को या अपने कमर्शियल बैंक को देगा, क्योंकि $1 जो है वो 150 रुपए के बराबर हो गया है।
तो फॉरनर सिर्फ $100 अपने कमर्शियल बैंक को जब देता है तो कमर्शियल बैंक उसे 15,000 पाकिस्तानी रुपीस दे देता है और फॉरनर इस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। नतीजा क्या निकला, वही प्रोडक्ट जो आज से 1 या 2 साल पहले फॉरनर के लिए फॉर एग्जाम्पल $150 की थी, फॉरनर को अब सिर्फ $100 में मिल जाती है। बाजार में प्राइस चेंज नहीं हुई, पहले भी प्राइस इस प्रोडक्ट की 15,000 ही थी, अब भी इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 15,000 ही है, मार्केट में प्राइस वही है, लेकिन अब 15,000 पाकिस्तानी रुपी ही पहले से कम डॉलर्स में मिल जाते हैं। तो फॉरनर के लिए तो आसानी होगी, आप कह लें फॉरनर की तो मौज लग गई, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, सस्ती हो गई है प्रोडक्ट, जहां हम 2 लाख मीटर कपड़ा मंगवाते थे हम 4 मंगवाएंगे, 4 लाख मीटर मंगवाते थे हम 10 लाख मीटर मंगवाएंगे, तो हमारे लिए तो सस्ता हो गया प्रोडक्ट, फॉरनर्स आपसे ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो दिस इज दी वन साइड एक्सप्लेनेशन कि इससे नतीजा क्या निकलेगा, कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को डीवैल्यू क्यों होने देता है, ताकि इस डीवैल्यूएशन से उनकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, पाकिस्तान ने भी यही किया। दूसरी साइड पे इंपोर्ट्स पे, यानी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, मसलन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है जी बीओपी तो मुसीबत बना हुआ है, मुसलसल पिछले 50 साल से डेफिसिट में है, तो हमने बीओपी को बेहतर करना है, इसके लिए पहला काम एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, हमने करेंसी डीवैल्यू कर दी, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई। दूसरी साइड पे सिचुएशन क्या है, इंपोर्ट, हम एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे, वो अमेरिका में पहले $300 की थी, अब भी $300 की है, प्राइस उसकी भी कोई चेंज नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान, मसलन फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है, पहले पाकिस्तानी जो है वो 30,000 रुपए अपने मनी चेंजर को देता था कमर्शियल बैंक को, और वो उसको $300 दे देता था, यानी पाकिस्तानियों को ये लैपटॉप 30,000 रुपए में पड़ता था, पाकिस्तानी हर साल 10 लाख लैपटॉप मंगवा लेते थे। अब जब करेंसी डीवैल्यू हो चुकी है, अब आपको 45,000 रुपए मनी चेंजर को देने पड़ेंगे, फिर जाके आपको कहीं $300 मिलेगा, लैपटॉप अमेरिका में अब भी 300 का ही बिकता है, $300, लेकिन अब मुझे $300 लेने के लिए 45,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, 15,000 रुपए पहले से ज्यादा, तो मेरे लिए तो प्रोडक्ट महंगा हो गया है। व्हाट आई विल डू, मैं लैपटॉप्स परचेज करना कम कर दूंगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग, जब आप किसी कंट्री का एक्सचेंज रेट चेंज करते हैं, करेंसी को डीवैल्यू करते हैं, तो कंट्री की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है, इंपोर्ट्स में कमी आती है, यानी अगर हमारी पहले एक्सपोर्ट्स 700 बिलियन की थी और इंपोर्ट्स जो हैं वो 500 बिलियन की थी, और इस वजह से नतीजा क्या निकल, 1500 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट, 700 बिलियन थी और हमारी इंपोर्ट जो है वो 1500 बिलियन थी, तो नेट रिजल्ट क्या था, हमारा बीओपी 800 बिलियन डेफिसिट में जा रहा था। अब हमने क्या किया, अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर लिया डीवैल्यूएशन से, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होके फॉर एग्जांपल 1100 बिलियन पे आ गई हैं, इंपोर्ट्स हमने कम कर ली क्योंकि इंपोर्ट्स महंगी हो गई, ये फॉर एग्जांपल 1200 बिलियन पे आ गई हैं कम होके, फाइनल रिजल्ट गैप कितना रह गया है, बीओपी डेफिसिट सिर्फ 100 बिलियन का रह गया है, ओनली 100 बिलियन। तो दिस इज हाउ गवर्नमेंट्स करेंसी डीवैल्यूएशन के जरिए किस तरह से बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करती है और उसका क्या मैकेनिज्म है। अब ये क्वेश्चन किस नेम से आता है, व्हाट इज एक्सचेंज रेट एंड हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे डिटरमाइन होता है, और एक्सचेंज रेट का हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है। ओके, इस चीज को अगर वो ग्राफिकली पूछ लेता है कि आप इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी एक्सप्लेन करें, तो बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई की तरह हम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंटली और केयरफुली ग्राफ समझें, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। डिमांड फॉर रूपी, डिमांड फॉर रूपी का मतलब क्या है कि करंटली पाकिस्तान में रूपी की डिमांड, या इंटरनेशनल मार्केट में, एक्चुअली पाकिस्तानी एक्सचेंज रेट मार्केट में पाकिस्तानी रूपी की डिमांड कितनी है। मसलन अगर फॉरनर हमसे कम कपड़ा खरीदेंगे तो डिमांड फॉर रूपी भी कम होगी, ज्यादा कपड़ा खरीदेंगे तो डिमांड फॉर रूपी भी, यानी वो रूपी लेंगे तो उससे हमसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारा एक्सचेंज रेट हाई हो, एक्सचेंज रेट हाई होने का मतलब $1 = 140, देन $1 = 160, $1 = 180, जब हमारी इकोनॉमी या पाकिस्तानी करेंसी एप्रिशिएट होगी, ये बात अच्छी तरह से समझ लें, जब हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी तो सिचुएशन होगी 1/140, $1 = 140 के बराबर है। जब हमारी करेंसी डीवैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो फिर हमारी सिचुएशन होगी 160 या 180 वाली।
जितना हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी मार्केट में रुपी की डिमांड कम होती चली जाएगी। क्यों? हमारी करेंसी महंगी होती जा रही है। ये अभी जो हमने सिनारियो एक्सप्लेन किया है इसको रिवर्स कर लें, जब हमारी करेंसी महंगी होगी फॉरनर के लिए हमारी प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी तो वो पाकिस्तानी रुपी, वो प्रोडक्ट ही नहीं खरीदना चाहता तो वो पाकिस्तानी रुपी क्यों खरीदेगा। तो सिंपली डिमांड फॉर रुपी, देन इसी मैकेनिज्म पे सप्लाई ऑफ रुपी। सप्लाई ऑफ रुपी किस तरफ से आ रही है ये बच्चे इंपॉर्टेंटली नोट कर लें, इस ग्राफ में अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूजन में चले जाते हैं। इंपोर्टर की तरफ से सप्लाई ऑफ रुपी आएगी और जो फॉरनर्स हैं जो हमसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उनकी तरफ से डिमांड फॉर रुपी आएगी। यानी हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो सप्लाई क्रिएट करती हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिमांड क्रिएट करती हैं। एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं तो रुपी की डिमांड ज्यादा है, इंपोर्ट्स ज्यादा हैं तो रुपी की सप्लाई ज्यादा है। ओके, सप्लाई ऑफ रुपी, डिमांड ऑफ रुपी। और इस सिनारियो में इनिशियली हम कहते हैं जी करंट एक्सचेंज रेट 1/168 डॉलर पे है आज का एक्सचेंज रेट। ओके, इक्विलिब्रियम। रोजाना मार्केट में फॉर एग्जांपल 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपी डिमांड होता है, 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपी जो है वो सप्लाई हो जाता है, 1/168 पे है। अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाए, एप्रिशिएट होने का मतलब कल को $1 ₹150 के बराबर हो जाए, हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, बेहतर वैल्यू में आ गई, अब ₹150 $1 के बराबर हो गए हैं तो हमारी करेंसी की वर्थ बेहतर हो गई है। नतीजा क्या निकलेगा? फॉरनर्स रुपी की डिमांड कम कर देंगे, रुपी महंगा होने की वजह से वो हमसे प्रोडक्ट ही कम खरीदना चाहते हैं तो वो रुपी भी नहीं खरीदेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे एट द सेम टाइम क्या होगा, सप्लाई ऑफ रुपी बढ़ जाएगी। सप्लाई ऑफ रुपी क्यों बढ़ी? जब डॉलर 168 का था तो पाकिस्तानी रोजाना सिर्फ 5 लैपटॉप खरीदते थे, 168 का था तो पाकिस्तानी रोजाना इंटरनेशनल मार्केट से सिर्फ 5 लैपटॉप खरीदते थे कि लैपटॉप बहुत महंगा है जी। क्यों? डॉलर महंगा है हमारे लिए तो लैपटॉप महंगा है। तो जैसे ही डॉलर का रेट 168 से 150 पे आएगा तो मेरे लिए तो बैठे बैठाए डॉलर सस्ता हो गया है, मैं क्या करूं, मेरे लिए लैपटॉप भी सस्ता हो गया है। तो नतीजा था मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं ज्यादा लैपटॉप खरीद लूं। तो इसका नतीजा मैं ज्यादा पाकिस्तानी रुपी मार्केट में दूंगा डॉलर लेने के लिए ताकि उस डॉलर से मैं लैपटॉप खरीद सकूं। तो नतीजतन इकोनॉमी में सिचुएशन क्या क्रिएट होगी, डिमांड फॉर रुपी कम हो गई है एक्सचेंज रेट के बढ़ जाने की वजह से, एप्रिशिएट हो जाने की वजह से, और सप्लाई ऑफ रुपी ज्यादा हो गई है, यानी मार्केट में फालतू पाकिस्तानी रुपी मौजूद है। आज भी पाकिस्तानी रुपी फालतू है, कल भी फालतू है, परसों भी फालतू है। तो अगर मुसलसल पाकिस्तानी रुपी जो है वो मार्केट में फालतू है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? आपको पता है अगर मार्केट में किसी चीज की भी एक्सेस हो जाए तो हमने सिंपली बताया हुआ है, जैसे हम मार्केट में फालतू सेब आ गए हैं जी, सेब का रेट गिर जाएगा। मार्केट में फालतू मैंगोज आ गए हैं, मैंगो का रेट कम हो जाएगा। मार्केट में फालतू चेयर्स आ गई हैं, चेयर की प्राइस गिर जाएगी। यानी जो चीज मार्केट में फालतू होगी, एक्सेस होगी, उसकी कीमत गिरनी है। तो जब पाकिस्तानी रुपी मार्केट में एक्सेस में हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सचेंज रेट वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यानी पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू दोबारा कम होना शुरू हो जाएगी, 150 से 151, 52, 53, 54 और वापस उसी इक्विलिब्रियम रेट पर ही आएंगे जहां पर रुपी की डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाए। जब तक रुपी की डिमांड एंड सप्लाई बराबर ना हो तब तक एक्सचेंज रेट कम होता रहेगा। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट समझ लें, हमने एग्जांपल की 150 से 1/168 तक आएगा, लेकिन हो सकता है डिमांड एंड सप्लाई इससे ऊपर थोड़ा सा इक्वल हो जाए तो ये एक्सचेंज रेट शायद 1/160 पर ही रुक जाए, 162 पर रुक जाए। ये तो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रुपी जहां इक्वल हो जाएंगी, हाइपोथेटिकली या बुकिश नॉलेज के मुताबिक हम आइडियल सिचुएशन लेते हैं कि वापस उसी प्राइस पे आ जाएगा क्योंकि जितनी एक्सेस क्रिएट हुई थी वो उतना ही प्रेशर डालेगी। रिवर्स एग्जांपल आप किस तरह कर सकते हैं, लेट अज्यूम इनिशियल सिचुएशन अगेन 1/168 आज का रेट है, अचानक हमारी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है जी, डॉलर आ गया जी 1/200 पे, डॉलर तो बहुत महंगा हो गया है, पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू तो बहुत डाउन चली गई है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, मार्केट में रुपी की सप्लाई अचानक बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। वे क्यों कम हो गई, 168 पे हम रोजाना 5 लैपटॉप मंगवा रहे थे, जब मुझे डॉलर 168 रुपए में मिल रहा था तो मैं रोजाना 5 लैपटॉप बाहर से इंपोर्ट करता था, अब मुझे कल से डॉलर 200 रुपए का मिलेगा तो मैं तो 5 लैपटॉप नहीं इंपोर्ट करूंगा, मैं तो शायद 4 करूं, शायद 3 करूं,
तो नतीजा मैं साफ जाहिर है कम रुपी दूंगा और उसके बदले में डॉलर, मैंने लैपटॉप ही कम खरीदने हैं तो डॉलर क्यों खरीदूं। नतीजा सप्लाई ऑफ रूपी मार्केट में कम हो जाएगी इंपोर्ट्स कम होने की वजह से, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि फॉरनर के लिए पाकिस्तानी रुपी सस्ता हुआ है, वो तो चाहता है हमसे डबल कपड़ा खरीद ले, वो हमसे डबल मेडिकल का सामान और खेलों का सामान खरीदना चाहता है, तो डिमांड फॉर रुपी अचानक बढ़ जाएगी। वो मार्केट से रुपी खरीदना चाहते हैं ताकि हम उसको पे कर सकें पाकिस्तानी बिजनेसमैन को। नतीजा क्या निकलेगा कि जब हमारी करेंसी डी वैल्यू होती है आर टू की तरफ, तो मार्केट में एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती है। मार्केट में इंपोर्ट्स कम होने की वजह से एक्सेस डिमांड है और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, तो फाइनली हमारा नतीजा रुपी की एक्स्ट्रा डिमांड है मार्केट में। मार्केट में रोजाना 500 या 50 बिलियन जाता है लेकिन डिमांड 60 बिलियन की है, तो रुपी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा महंगा होना शुरू हो जाएगा। महंगा होने की निशानी क्या है जी, कल से रुपी 190 का हो जाएगा, फिर एक डॉलर के बदले में 180 रुपए मिलेंगे, फिर एक डॉलर के बदले में 170 मिलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता रुपी महंगा होता जा रहा है, उसी एक डॉलर में कम रुपी मिल रहे हैं। तो दिस इज द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से हम एक्सचेंज रेट को ग्राफिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं। इसके साथ जो है वो फिर सिचुएशन भी लिखी हुई है, यहां पर नोट कर लें। देखें डिमांड फॉर रुपी कम होने का मतलब है कि ये एक्सेस सप्लाई के साथ, एक और बात नोट कर लें, डिमांड फॉर रुपी कम होने का मतलब है कि एक्सपोर्ट्स आर लेसर देन इंपोर्ट्स। डिमांड फॉर रुपी कम है मार्केट में, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है हमारी एक्सपोर्ट तो बहुत थोड़ी हो रही है इस वक्त। और जब इकोनॉमी में एक्सपोर्ट कम हो इंपोर्ट ज्यादा हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किस सिचुएशन में होगा, डेफिसिट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा। और इसी तरह से जब एक्सेस डिमांड फॉर रुपी है, हमारे पास ये सिचुएशन है एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड का मतलब है फॉरनर हमसे हर चीज खरीदना चाहता है सस्ती होने की वजह से, तो वो बेतहाशा रुपी खरीद रहा है। इन अदर वर्ड इस सिचुएशन को हम कहते हैं इंपोर्ट्स आर लेस देन एक्सपोर्ट्स। हमारी इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, फॉरनर हमसे बहुत कुछ खरीद रहा है। जब हमारी इंपोर्ट कम हो एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो फिर बीओपी किस तरफ जाएगा, ऑब्वियसली बीओपी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो दिस इज द सिचुएशन के जब हमारी एक्सेस डिमांड फॉर रुपी होती है तो चांसेस हैं कि हमारा बीओपी सरप्लस में जा रहा होगा या सरप्लस की तरफ जा रहा होगा। और जब हमारा एक्सेस सप्लाई ऑफ रुपी मार्केट में क्रिएट होना शुरू हो जाए तो फिर चांसेस हैं कि हमारा बीओपी जो है वो नेगेटिव हो रहा होगा, डेफिसिट में जा रहा होगा या डेफिसिट की तरफ, यानी अगर हम पहले सरप्लस में थे तो आहिस्ता आहिस्ता डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं, और अगर पहले हम बैलेंस पे थे नील बीओपी था तो फिर हम डेफिसिट में चले जाएंगे। तो एक्सेस सप्लाई ऑफ रुपी मीन डेफिसिट और एक्सेस डिमांड फॉर रुपी मीन सरप्लस। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के ग्राफ क्या है, कैसे हम इक्विलिब्रियम इसका ड्रॉ करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द एक्सचेंज रेट, कि किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए, और गवर्नमेंट के पास कौन कौन से टूल्स होते हैं एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए। एक्सचेंज रेट को आप इन अदर वर्ड कह लें कि अपनी डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए, और किस तरह से जो है वो एक्सचेंज रेट को यूज करती है गवर्नमेंट, इसकी पॉलिसी क्या है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिचुएशन है जी, एक्सचेंज रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री एज इट डिटरमिन द लेवल ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हम अपनी करेंसी डीवैल्यू कर दें, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। हम अपनी करेंसी एप्रिशिएट कर दें, रीवैल्यू कर दें, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना। इट ऑल्सो इंडिकेट एंड इफेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री इन नंबर ऑफ वेज, और इसका फिर इस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पे भी बहुत ज्यादा असर आता है, बेरोजगारी पे, इन्फ्लेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इन चीजों पे। अब गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। एक्सचेंज रेट को टारगेट क्यों किया जाता है, तीन टारगेट होते हैं आमतौर पे, टू स्टेबलाइज करेंसी अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव प्रेशर। एक पर्पज, एक मकसद स्टेट बैंक का, मसलन स्टेट बैंक चाहता है कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो 165 से लेके 170 के दरमियान ही रहे, इससे बाहर ना जाए अगले 6 महीने,
तो सेंट्रल बैंक को बहुत केयरफुली सप्लाई डिमांड मैनेज करनी पड़ेगी, यानी जिस दिन मार्केट में डिमांड बढ़े सप्लाई बढ़ा दी जाए ताकि रेट 170 से ऊपर ना निकल जाए, जिस दिन मार्केट में डिमांड कम हो सप्लाई भी डॉलर की कम कर दी जाए ताकि डॉलर का रेट 165 से नीचे ना आ जाए। तो यानी कि मार्केट सिचुएशन के मुताबिक जो है, क्यों गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक चाहता है कि फ्लक्चुएशन ना हो, फ्लक्चुएशन होगी तो फिर लोग जो है वो करेंसी स्टॉक करेंगे, होर्डिंग करना शुरू कर देंगे, स्पेकुलेशन से फायदा उठाएंगे कि डॉलर पता नहीं कल किधर चला जाना है, खरीद लो, अचानक किधर चला जाना है बेच दो। तो स्पेकुलेशन से पब्लिक को बचाना है, बिजनेसमैन को बचाना है। देन टू प्रोवाइड स्टेबल एक्सचेंज रेट टू प्रमोट एक्सपोर्ट, एक और फायदा, अगर एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है यानी सेंट्रल बैंक अनाउंस कर देता है जी हम एक्सचेंज रेट इस रेंज में रखेंगे और वो फिर 6 महीने 1 साल इसी रेंज में रखते भी हैं उसे, तो इस सिचुएशन का मतलब ये है कि बिजनेसमैन के लिए आसानी हो गई। बिजनेसमैन अगले 2 महीने की 4 महीने की प्लानिंग कर सकता है कि मैंने 2 महीने बाद कुछ इंपोर्ट करना है, किस एक्सचेंज रेट पे डील करूं, उसे पता है एक्सचेंज रेट ने ज्यादा चेंज नहीं होना। लेकिन अगर बिजनेसमैन को यही नहीं पता कि पता नहीं है 2 महीने बाद एक्सचेंज रेट 180 होगा या पता नहीं 150 पे आ जाएगा, तो वो तो बिजनेस डील्स करने में हेजिटेट करेगा। देन तीसरा टारगेट टू स्टिमुलेट एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इंपोर्ट, बाज़ुकात सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सचेंज रेट को इसलिए भी टारगेट करता है कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना है और इंपोर्ट कम करना है, यानी जब सेंट्रल बैंक डीवैल्यूएशन करता है अपनी करेंसी की, यानी अपनी करेंसी को डीवैल्यू होने देता है, अगर मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो वो डिमांड के मुकाबले में सप्लाई थोड़ी सी कम रखेगा, तो डॉलर आहिस्ता आहिस्ता प्राइस उसकी बढ़ती चली जाएगी, तो आप टारगेट रेंज में अपने ले आते हैं। तो ये 3-4 आमतौर पर टारगेट्स हैं। लास्ट पॉइंट, टू प्रिवेंट अब्रप्ट फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ करेंसी, और अब्रप्ट या सडन कह लें या बहुत बड़े पैमाने पे, एक और मकसद सेंट्रल बैंक का होता है ताकि एक्सचेंज रेट बेतहाशा फ्लक्चुएट ना करे, उसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी भी डिस्टर्ब होती है, स्पेकुलेटर्स भी फायदा उठाते हैं जिन्होंने ना कुछ इंपोर्ट करना है ना एक्सपोर्ट करना है, लेकिन वो सिर्फ करेंसी खरीदते हैं बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स हैं, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी टूल्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सचेंज रेट। फिर एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं, 4-5 ही पॉइंट है। मॉनेटरी पॉलिसी वाले टूल्स ही ज्यादा यूज होते हैं। इंटरेस्ट रेट, आप अपने कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, जितना हमारे कंट्री में इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों से ज्यादा होगा उतना ही डॉलर्स का फ्लो कंट्री में ज्यादा हो जाएगा। बाहर से लोग डॉलर्स लेके आएंगे, हमारे बैंकों में पैसा रखेंगे ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए, जनरेट करने के लिए, तो ऑब्वियसली इसका नतीजा क्या है, डॉलर जितने ज्यादा सप्लाई होंगे मार्केट में डॉलर का रेट उतना ही कम होता जाएगा। तो एक्सचेंज रेट को लोअर करने के लिए या अपनी करेंसी को एप्रिशिएट करने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी भी यूज होती है। लेकिन क्लियरली यहां बात एक नोट कर लें एमसीक्यूज की सेंस में कि इंटरेस्ट रेट के जरिए एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना टेम्परेरी होता है, 2-4-6 महीने आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा मैनेज आप नहीं कर सकते। ओके जी, देन डायरेक्ट इंटरवेंशन, एक और तरीका, सेंट्रल बैंक डायरेक्टली मार्केट में इंटरवीन करता है। सेंट्रल बैंक के पास डॉलर्स का ढेर लगा हुआ है रिजर्व की शक्ल में, मैंने आपको कल भी बताया था $18 बिलियन इस वक्त सेंट्रल बैंक का रिजर्व है, $18 अरब पाकिस्तानी बैंक्स के पास मौजूद है, जिनमें से 6 बिलियन के करीब जो है वो मनी चेंजर और कमर्शियल बैंक्स के पास है, 12 बिलियन के करीब जो है वो सेंट्रल बैंक, टोटल $18 बिलियन इस वक्त रिजर्व है पाकिस्तान का। तो सेंट्रल बैंक जो अपना रिजर्व है उसको बढ़ाकर या कम करके, जब चाहते हैं आप रेट में कम करना है तो आप सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ा दें सेंट्रल बैंक के स्टॉक से, जब आप चाहते हैं कम करना है तो आप इकोनॉमी से निकाल लें। देन रिमूव बीओपी डेफिसिट और सरप्लस, आप अपने बीओपी के डेफिसिट को बेहतर करें। देखें ये इंपॉर्टेंटली चीज नोट कर लें, एक्सचेंज रेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इफेक्ट करता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करती है। मसलन मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम इस वक्त टोटल एक्सपोर्ट में, जस्ट अगेन एक एग्जांपल ही कर रहा हूं, हम लेट अज्यूम इस वक्त टोटल एक्सपोर्ट करते हैं जी $34 बिलियन की, और टोटल इंपोर्ट हम करते हैं जी $50 बिलियन की। ये हमारी इंपोर्ट है $50 बिलियन और ये हमारी एक्सपोर्ट है $34 बिलियन, यानी इसका नतीजा क्या निकलेगा कि हमारे कंट्री में $16 बिलियन का डेफिसिट है। $16 बिलियन स्टेट बैंक को अपनी जेब से, अपने पास मौजूद रिजर्व से पब्लिक को देने पड़ेंगे ताकि हमारी इंपोर्ट की पेमेंट्स क्लियर हो सके। अब ये $16 बिलियन फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, पाकिस्तान के टोटल रिजर्व मैंने आपको कितने बताए जी $18 बिलियन, उसमें से $16 बिलियन तो निकल जाएंगे, रिजर्व तो रह गए पीछे $2 बिलियन।
उस रिजर्व को दोबारा इंक्रीज करने के लिए इमरजेंसी में फिर सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट क्या करेगी, आईएमएफ से कर्जा ले लेंगी, जो हमने सेटलमेंट अकाउंट में बताया था कि ठीक है जी रिजर्व हमारे पास सिर्फ $2 बिलियन रह गया, इससे तो एक महीना नहीं गुजरेगा, इंपोर्ट पेमेंट नहीं क्लियर होंगी, तो फौरी तौर पे जी आईएमएफ से लोन ले लें, किसी कंट्री से, सऊदी अरब से ले लें, अमेरिका से ले लें, चाइना से ले लें, तो आप डॉलर्स का लोन ले लेते हैं। लेकिन इस डेफिसिट से और इस प्रॉब्लम से यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस किया जा सकता है, कैसे, आप अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर लें, इंपोर्ट्स कम कर लें, तो आपके बीओपी बैलेंस पे और आपके जो रिजर्व है उन पे प्रेशर ही नहीं आएगा। आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के 50 बिलियन पे ले जाएं, फॉर एग्जांपल, चलें 50 बिलियन तक इंक्रीज नहीं होती, आप 34 बिलियन से इंक्रीज करके 45 बिलियन पे ले जाएं, 11 बिलियन का इनमें कोशिश करके इजाफा करें। दूसरी तरफ आप इंपोर्ट्स अपनी कम करके ये भी कोशिश करके 45 बिलियन पे ले आए, और एक्सपोर्ट बढ़ानी कैसे है, कल हमने टॉपिक पढ़े, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैं, फलां फलां चीजें हैं, दुनिया के कंट्रीज से राबते करें, फलां काम करें। इंपोर्ट्स कम कैसे करनी है, टैरिफ्स लगा दें, पाबंदी लगा दें, टैक्स लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, तो हमारी इंपोर्ट भी $45 बिलियन, एक्सपोर्ट भी जितना डॉलर इस साल हमें आया पेमेंट्स में उतना ही हमने पेमेंट्स में वापस कर दिया। सेंट्रल बैंक के पास जो $18 बिलियन पड़ा था वो 18 का 18 ही पड़ा हुआ है, सेंट्रल बैंक को मजीद बोरो करने की जरूरत नहीं है कि डॉलर खत्म हो गए हैं जी पेमेंट कहां से करनी है। तो दिस इज द मैकेनिज्म के बीओपी के डेफिसिट को खत्म करके भी एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और फिर एक लॉन्ग टर्म पैटर्न इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अपनी मुआशी सिचुएशन को बेहतर करें, अपने कंट्री की जीडीपी बेहतर करें, लोगों की इंप्लॉयमेंट बेहतर करें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लेके आए, जो प्रोडक्ट्स हमें इंपोर्ट करना पड़ती हैं वो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करें, तो ये फिर लॉन्ग टर्म मेजर्स भी हैं। तो ये चार मेजर टूल्स हैं। पहला सबसे इंटरेस्ट रेट सबसे शॉर्ट टर्म है और क्विकेस्ट है, आज एक्सचेंज रेट चेंज करें कल से इंटरेस्ट रेट चेंज करें कल से एक्सचेंज रेट जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटरवेंशन उसके बाद दूसरे नंबर पे है, ये आप 1.5 साल 2 साल यूज कर लेंगे क्योंकि डॉलर का रिजर्व भी खत्म होता जाएगा सेंट्रल बैंक के पास, तो वो कहां से सप्लाई करता जाएगा। फिर रिमूव बीओपी डेफिसिट और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये दोनों मेजर जो है आखिरी दोनों ये लॉन्ग टर्म है लेकिन आप कह लें परमानेंट है, इससे फिर आप परमानेंटली कंट्रोल कर जाएंगे। ये दोनों मेजर जो है पहले दो ये शॉर्ट टर्म है और टेम्परेरी है, यानी ये 2-4, 6 महीने, 1 साल, 2 साल कंट्रोल कर लेंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप इससे नहीं कर सकेंगे। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेनिंग द एक्सचेंज रेट। मैं अभी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा था, 5 नंबर का अगेन क्वेश्चन आ जाता है जी, हाउ सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द एक्सचेंज रेट। सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि पाकिस्तान में जो एक्सचेंज रेट है उसको चेंज किया जाए या अपने डिजायर्ड लेवल पे लेके आया जाए, तो उसके लिए फिर सेंट्रल बैंक जो है वो किस तरह की पॉलिसी मेकिंग करता है या किस तरह से सेंट्रल बैंक जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन को कंट्रोल या मैनेज करता है। ओके, यहां पर अब आप ये सप्लाई ऑफ रुपी और डिमांड फॉर रुपी है, आप इसमें दोनों तरह की बात कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल करंटली हमारे पास सिचुएशन क्या है जी, 1/168 आज का एक्सचेंज रेट, करंटली इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है 168 का। सेंट्रल बैंक चाहता है कि पाकिस्तान के रुपी की वैल्यू को थोड़ा सा बेहतर किया जाए, यानी 1/160 कम से कम चलो 8 रुपए तो बेहतरी लेके आए ना पाकिस्तानी रुपी में, कि 160 रुपए का एक डॉलर मिलना शुरू हो जाए। अब इसके लिए सेंट्रल बैंक टारगेट सेट कर लेता है कि हमने एक्सचेंज रेट को 1/160 पे लेके जाना है। ओके, आर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से R1 पे लेके आना है। अब इस टारगेट के लिए सेंट्रल बैंक के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मार्केट में डिमांड फॉर रुपी इंक्रीज कर दी जाए। डिमांड फॉर रुपी इंक्रीज करने का तरीका सिंपली आप अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर लें, या सेंट्रल बैंक जो है वो डॉलर मार्केट में सप्लाई कर दे और उससे मार्केट से जो है यानी डॉलर कमर्शियल बैंक को दे दे और बदले में पाकिस्तानी रुपी ले ले, डॉलर मनी चेंजर को दे दे बदले में उनसे पाकिस्तानी रुपी ले ले। तो इस तरीके से आप डिमांड फॉर रुपी इंक्रीज कर सकते हैं, इससे भी आपका टारगेट अचीव हो जाएगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप जितना डिमांड फॉर रुपी बढ़ाते चले जाएंगे एक्सचेंज रेट बढ़ता चला जाएगा। तो जब आपका टारगेट अचीव हो जाता है आप डिमांड फॉर रुपी जो है वो उस लेवल पर रोक देते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन, आप डिमांड फॉर रुपी इंक्रीज ना करें लेकिन सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस कर दें। मनी सप्लाई कंट्रोल करने के मेथड में हमने कहा आप डायरेक्ट इंटरवेंशन कर लें, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, यानी मार्केट से पाकिस्तानी रुपी निकालें।
सेंट्रल बैंक की तरफ आए, गवर्नमेंट के पास चला जाए, तो उसके लिए आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो भी यही होगा। आप ओपन मार्केट ऑपरेशन करें, बॉन्ड्स बेच दें, पब्लिक से पैसा निकाल लें तो भी, तो पाकिस्तानी रुपी की सप्लाई कम कर लें तो भी आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, 1/168 से चेंज होके 1/160 पे आ जाएगा। जितना पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी की सप्लाई मार्केट में कम होगी उतना ही वो महंगा हो जाएगा, बेहतर रेट पे आ जाएगा। इन दोनों में से एक काम किया जाएगा, ग्राफिकली हम दोनों ही शो कर देते हैं कि बेशक या सेंट्रल बैंक जब चाहे डिमांड फॉर रुपी बढ़ा सकता है, सेंट्रल बैंक जब चाहे सप्लाई ऑफ रुपी जो है वो कम कर सकता है। क्योंकि बाज़ औक़ात फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट आज से 4 महीने पहले मार्च में इंटरेस्ट रेट पहले ही 13% पे था, तो सेंट्रल बैंक मजीद इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ा सकता। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, पहले ही 13% है तो और किधर ले जाए उसको, उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है उस पर प्रॉब्लम आ रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है, तो उस सिचुएशन में डिमांड फॉर रुपी बढ़ाई जाती है, रुपी की सप्लाई कम नहीं की जाती। तो ये दो आप कह लें दोनों तरीकों से ये काम किया जा सकता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सचेंज रेट को कैसे डिजायर्ड लेवल पे मेंटेन रखता है, यही बात आप डाउनवर्ड भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, के दुनिया में आमतौर पर जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करते हैं। एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग एक्सचेंज रेट जो है वो बेसिकली 3 एक्सचेंज रेट हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ 2 एक्सचेंज रेट सिस्टम्स हैं, और सिर्फ उन 2 को ही जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो उन दोनों एक्सचेंज रेट सिस्टम्स को जो है हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है, एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो कैसे गवर्नमेंट फॉलो करती है, और उसका मैकेनिज्म क्या है, और वो किस तरह से वर्क करता है। ओके जी, देन एक्सचेंज रेट सिस्टम में मेनली 2 हमारे पास हैं आपके सिलेबस में, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और दूसरे नंबर पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जो 3rd है हाइब्रिड या मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन जस्ट बता दूंगा ताकि आपको हेल्प आउट हो जाए, अगर कहीं एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है तो आपको पता हो कि हाइब्रिड का मतलब या सेंस क्या है। ओके जी, दोनों बारी बारी करते हैं। सबसे पहले फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है। अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट इज अ टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच अ कंट्रीज करेंसी और करेंसीज वैल्यू इज अलाउड टू फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी अगर सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर दे कि हम पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम डॉलर की सप्लाई कम या ज्यादा नहीं करेंगे, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई पे है, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी डॉलर महंगा हो जाएगा, रुपी की डिमांड बढ़ेगी रुपी महंगा हो जाएगा, हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे, हम इसे डिमांड एंड सप्लाई पे चलने देंगे, तो ऐसे एक्सचेंज रेट सिस्टम को फ्लोटिंग एक्सचेंज, फ्लोट कर रहा है ना रुपी या करेंसी, फ्लोट कर रही है, अप चली जाती है डाउन चली जाती है, तो इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहा जाता है। करंटली पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान तकरीबन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यूज कर रहा है, इसी वजह से फिर क्विकली हमारी करेंसी 120 से या कह लें 115 से जो है वो क्विकली 1.5 साल 1 साल के अंदर अंदर 160 से 70 पे आ गई, हमने फ्लोट होने दिया। अब ये जो करंट एक्सचेंज रेट है ये डिमांड एंड सप्लाई भी है, सेंट्रल बैंक इसे कंट्रोल नहीं करता। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा लेंगे तो ये कम होना शुरू हो जाएगा, इम्पोर्ट्स बढ़ा लेंगे तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, अब ये तकरीबन फ्री फ्लोट है पाकिस्तान में। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज डिटरमिंड बाय द प्राइवेट मार्केट थ्रू सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इंटरेक्टिंग करेंसीज। जिस करेंसी की डिमांड बढ़ेगी वो दूसरे के अगेंस्ट महंगी हो जाएगी। अ करेंसी दैट यूज अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज नोन एज फ्लोटिंग करेंसी। एक्सचेंज रेट फॉर फ्लोटिंग करेंसीज आर लाइकली टू चेंज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली, यानी वो फिर कॉन्स्टेंट चेंजिंग उसमें डेली बेसिस पे, बल्कि इवन विद इन डे भी चेंजेस होती रहती है। ओके, ये तो होगी डेफिनेशन 2 नंबर की, वट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं? यानी पाकिस्तान ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मेंटेन कर लिया, यानी हमने फॉलो कर लिया जी कि हम अब फ्लोटिंग पे जाएंगे, हमने सेंट्रल बैंक ने अपने रिजर्व से कंट्रोल नहीं करना, तो हमें फायदे क्या हो रहे हैं, नुकसान क्या हो रहे हैं? पहली चीज, नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकॉज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑफन टर्म सेल्फ करेक्टिंग। गवर्नमेंट को अब परेशानी नहीं है कि आज पता नहीं डॉलर 170 पे चला गया है क्या करें, गवर्नमेंट बॉदर नहीं करती। क्यों? डॉलर महंगा होगा ऑटोमेटिकली हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट कम हो जाएंगी। अभी तो हमने कहा है कि जैसे ही डॉलर महंगा होता है मेरे लिए बाहर की हर प्रोडक्ट महंगी हो गई, और फॉरनर के लिए मेरी सारी प्रोडक्ट सस्ती हो गई, फौरी तौर पर एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप दोबारा रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट की बॉदरेशन कम हो जाती है। दूसरा फायदा, मे करेक्ट दिस इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी ऑटोमेटिकली।
अगर आप आपका कंट्री जो है वो गुड सिचुएशन में है, इकोनॉमिक सिचुएशंस अच्छी हैं, प्रोडक्शन अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आपका बीओपी भी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका बीओपी डेफिसिट में था तो जैसे ही आपकी करेंसी पे डाउनवर्ड प्रेशर आया, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी, इंपोर्ट कम हुई, तो बैलेंस हो गया दोबारा बीओपी। आपका बीओपी सरप्लस में चला गया था तो सरप्लस में जाने की वजह से आपकी करेंसी पे अपवर्ड प्रेशर था, आपकी करेंसी एप्रिशिएट होती जा रही है। एप्रिशिएट होने का मतलब एक्सपोर्ट फौरी तौर पे गिरना शुरू हो जाएंगी, इंपोर्ट बढ़ जाएंगी, और इन दोनों का फिर रिजल्ट वही क्या निकलेगा, एक्सचेंज रेट अगेन स्टेबल हो जाएगा। तो एक्सचेंज रेट के फ्लोटिंग होने के दो फायदे के, एक तो एक्सचेंज रेट खुद इक्विलिब्रियम पे कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी नील रखता है ऑटोमेटिकली, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। Then government can concentrate on other issues like inflation, unemployment. यानी आप government अपनी monetary policy में जो है वो inflation को, unemployment को, इन चीजों को focus कर सकती है, उसे exchange rate के लिए special policies बनाने की जरूरत नहीं है। Demerits, problem क्या है? यानी अगर हम floating exchange rate पे चल रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए या developing countries के लिए क्या issues बनते हैं? सबसे पहला issue inflation occur due to inelastic demand for imported raw material, और यही हुआ पाकिस्तान में। हमने 1.5 साल पहले जैसे ही फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे गए, 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में बहुत सी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ गई, सबसे ज्यादा स्पेशली फ्यूल, पेट्रोल बाहर से आता है, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया, और भी जितने रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं, गाड़ियां बाहर से आती हैं, गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी हो गई। तो जो जो चीज हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट हमने फ्लोटिंग पे छोड़ दिया है, डी वैल्यू हो गई हमारी करेंसी, तो प्राइस लेवल बढ़ेगा। प्राइस लेवल बढ़ने का मतलब है इन्फ्लेशन होगी। लेस डेवलप्ड कंट्रीज का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, क्योंकि वो बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं अपनी कंट्री में, तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते, तो लेस डेवलप्ड LDCs, लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की वजह से उनके मुल्कों में इन्फ्लेशन होती है। देन ड्यू टू इन्फ्लेशन इंपोर्ट बिल में राइज। अब अगर आपके कंट्री में इन्फ्लेशन हो गई है तो इसका एक और प्रॉब्लम हमने कल भी हाईलाइट किया था, बीओपी डेफिसिट में क्यों जाता है। हम 2 साल पहले तक तो कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे थे फॉर एग्जांपल, अब अगर 2 साल में पाकिस्तान में कपड़ा इतना महंगा हो जाता है कि इससे सस्ता बाहर से मिल रहा है, तो कपड़ा भी इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, ये तो उल्टा मुसीबत हो गई। हम फ्लोटिंग पे इसलिए गए थे कि ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नील हो जाए, हमारी इंपोर्ट्स कम हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े। लेकिन अगर फ्लोटिंग की वजह से बेतहाशा इन्फ्लेशन हो गई, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल ना कर सकी, 15-20-25% पे चली गई, तो फिर उल्टा नुकसान होगा कि वो प्रोडक्ट जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे वो भी हम अगले साल से इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो और ज्यादा वर्स हो जाएगा पहले से। तीसरा प्रॉब्लम क्या आ सकता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन इन एक्सचेंज रेट मे कॉज अनसर्टेनिटी एंड डिस्करेज ट्रेड। जब आपने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट छोड़ दिया तो इसका मतलब है स्पेकुलेटर के लिए मौका बन गया। अचानक डॉलर बेताशा खरीद लें जी, डॉलर 160 से 70 पे चला गया, अचानक डॉलर बेच दें जी, 170 से वापस 160 पे आ गया, आपने तो डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ा हुआ है, सेंट्रल बैंक तो कंट्रोल कर नहीं रहा। तो जो मनी स्पेकुलेटर्स हैं, करेंसी स्पेकुलेटर्स हैं, जो करेंसी के एक्सचेंज रेट के चेंज होने की वजह से फायदा उठाते हैं, फिर उनको मौका मिलेगा। तो ये दोनों तरह के प्रोस भी हैं, कॉन्स भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं और फायदे भी हैं। ओके जी, दूसरा इकोनॉमिक एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, यानी सेंट्रल बैंक कल से अनाउंस कर दे अगले 6 महीने के लिए पाकिस्तान में डॉलर 168 इक्वल टू 1 डॉलर ही रहेगा, या मैं चलें थोड़ा सा रफली इसको जरा बेहतर सिचुएशन में ले आते हैं कि डॉलर जो है 1/170 6 महीने इसी रेट पे रखेंगे हम। सेंट्रल बैंक ने अनाउंस कर दिया डॉलर का और पाकिस्तानी रुपये का एक्सचेंज रेट 170 एक डॉलर होगा। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जिस दिन मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ी, यानी डॉलर खतरा हुआ 171, 72, 73, 74 पे चला जाएगा, सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में से डॉलर निकालेगा, मनी चेंजर्स को दे देगा फालतू डॉलर, डॉलर महंगा नहीं हो सकेगा, फालतू डिमांड दी, फालतू सप्लाई आ गई, डॉलर 170 पे बिक रहा है। और जिस दिन मार्केट में डॉलर की डिमांड अचानक कम हुई, सेंट्रल बैंक को खतरा है डॉलर की डिमांड कम होने की वजह से ये डॉलर की वैल्यू डाउन जाएगी, पाकिस्तानी रुपी 169, 168, 167 एप्रिशिएट होगा, तो सेंट्रल बैंक मार्केट से डॉलर जो है फौरी तौर पे निकाल लेता है। तो सेंट्रल बैंक अगर किसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है या अनाउंस्ड रखता है तो इसको हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब इसकी एक्सट्रीम एग्जाम्पल भी हम करेंगे फिक्स्ड की। A fixed exchange rate is a type of rate in which a currency's value is fixed with a stable currency in the international market.
आप इंटरनेशनल मार्केट की किसी अच्छी स्टेबल करेंसी के साथ अपनी करेंसी को लिंक कर देते हैं, जैसे हमने अभी कहा 170 पाकिस्तानी रुपये एक डॉलर के इक्वल होंगे, हमने डॉलर से लिंक कर दिया, या इसके अलावा भी ऑप्शन है, फिक्स एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. In a fixed exchange rate system, a country's government decided the worth of its currency in terms of fixed weight of gold, fixed amount of other currency, or a basket of other currency. Tino option hai. Ya to aap apni currency ko gold ke saath fix karte hain. Maslan aap announce kar dete hain. For example, 10 grams of gold, Pakistani 1,15,000 rupaye ke equal honge aaj se. अब इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड महंगा हो आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सस्ता हो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, लेकिन इस पर्पस के लिए फिर आपको अपने गोल्ड का स्टॉक जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा. दूसरा ऑप्शन, आप दुनिया की किसी स्टेबल करेंसी के साथ अपनी करेंसी को लिंक कर दें, डॉलर के साथ लिंक कर दें, लेकिन जब आप किसी और करेंसी के साथ लिंक करते हैं तो फिर उस कंट्रीज के साथ आपको एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं, या फिर आप बास्केट ऑफ करेंसीज बना के मसलन आप रियाल डॉलर पाउंड 4-5 स्टेबल या 10 स्टेबल करेंसीज लेते हैं, उनका इंडेक्स बनाते हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है, उस इंडेक्स की वैल्यू को अपनी करेंसी से लिंक कर देते हैं. तो ये तीनों अप्रोचेज यूज होती हैं. पाकिस्तान आप कह लें 1990 तक जो है ये बास्केट ऑफ करेंसीज का कॉन्सेप्ट यूज करता रहा है, फिर हमने उससे पहले डॉलर से भी लिंक किया, गोल्ड से भी लिंक रहा, कुछ अरसा जो है मैनेज्ड फ्लोटिंग भी हमारे कंट्री में चलता रहा. मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब है एक रेंज में उसको कंट्रोल करना, यानी सेंट्रल बैंक अनाउंस कर दे 165 से 170 के दरमियान अगर चेंज होता रहता है तो हम मैनेज नहीं करेंगे, यानी 165 और 170 के दरमियान बेशक 10 साल चेंज होता रहे सेंट्रल बैंक एक भी डॉलर ना मार्केट में सप्लाई करेगा ना निकालेगा, लेकिन अगर 170 से ऊपर गया तो हम डॉलर सप्लाई कर देंगे और अगर 165 से नीचे आया तो डॉलर मार्केट, यानी एक रेंज के अंदर अगर फ्लोट होने दिया जाए तो इसको मैनेज्ड फ्लोटिंग कहा जाता है. ये तीसरी टाइप है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है और करंटली दुनिया में सबसे ज्यादा मैनेज्ड फ्लोटिंग ही दुनिया यूज करती है. बहुत कम और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो फ्लोटिंग रेट की तरफ जाते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग रेट के हमने अभी पढ़ा प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है. ओके जी, देन अगर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे चले जाएं तो फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है. सबसे पहला फायदा, अवॉइड डैमेजिंग स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन नहीं होगी. सेंट्रल बैंक ने कह दिया पूरे 6 महीने डॉलर 170 का ही रहना है, तो स्पेकुलेटर डॉलर खरीद के क्या करेगा, डॉलर तो एक इंच नहीं हिलने देना, एक पैसा नहीं हिलने दे रहा सेंट्रल बैंक. तो मैं अगर स्पेकुलेटर भी हूं, मैं अगर कोई फायदा भी उठाना चाहता हूं डॉलर खरीद के, तो मैं तो नहीं उठा सकूंगा. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन खत्म हो जाती है, करेंसी की आर्टिफिशियल बाइंग सेलिंग खत्म हो जाती है. देन फिक्स्ड रेट प्रोवाइड ग्रेटर सर्टेनिटी फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर को तसल्ली हो गई, अगले 6 महीने यही रेट रहना है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तसल्ली से बिजनेस करे. डॉलर का 2 महीने बाद भी रेट यही होगा, 4 महीने बाद भी, आप 2 महीने बाद की डील कर लें बेशक, ओके वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then almost no fluctuation in import and export prices. इसकी वजह से import होने वाली product की price, export होने वाली product की price भी stable हो जाती है, क्योंकि prices में change आमतौर पर currency exchange rate से ही आता है. Then international economic fluctuation have less effect on the country which use fixed exchange rate. और internationally अगर कोई economic crisis आता है, कोई problem आता है, कोई issue आता है, तो आपके country पे उसका impact जरा कम आएगा, क्योंकि अपने country को आपने link किया हुआ है, stable किया हुआ है. Then demerits, fixed exchange rate follow करने के नुकसान क्या हो सकते हैं जी, सबसे बड़ा नुकसान, fixed exchange rate does not allow for automatic correction of BOP. हमने डॉलर फिक्स कर दिया है जी 1/170, यही रहना है जी पूरे 6 महीने, पूरा साल ही यही रहना है. तो अगर इस एक्सचेंज रेट पे हमारी एक्सपोर्ट 70 बिलियन की है और हमारी इंपोर्ट 100 बिलियन की है, तो हम तो हर साल 30 बिलियन डेफिसिट में ही रहेंगे, हम तो कभी इस डेफिसिट से निकल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट हमने फिक्स करके रखा हुआ है और इस एक्सचेंज रेट पे हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है. तो हम 10 साल इसको फिक्स कर लें इधर ही, डॉलर तो इसी रेट पे रहेगा लेकिन हर साल बीओबी डेफिसिट में रहेगा, और हर साल बीओबी डेफिसिट में रहने का मतलब हर साल हम 30 अरब कर्जा ले रहे होंगे आईएमएफ से कि जी हमने डॉलर पेमेंट क्लियर करनी है, हमें लोन दे दें, अगले साल फिर डेफिसिट और लोन ले लें, अगले साल फिर डेफिसिट फिर लोन ले लें. तो फिक्स एक्सचेंज रेट का सबसे बड़ा डैमेज या प्रॉब्लम. Then there exists the possibility of policy delays. बाज़ औक़ात government policy delays आ जाते हैं, exchange rate change होना चाहिए था, नहीं हो सका, fix नहीं रखना था, fix कर दिया या whatever.
तो ये दो मेन इश्यूज हैं जो आमतौर पे फिक्स एक्सचेंज रेट में जो है वो फेस कर किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, देन ये लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का, टॉपिक लास्ट है लेकिन इसमें दो क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज डीवैल्यूएशन एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सक्सेस ऑफ डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन होती क्या है और डीवैल्यूएशन का फायदा, डीवैल्यूएशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या हैं, किन कंडीशंस की मौजूदगी में जो करेंसी डीवैल्यूएशन है वो हमें फायदा दे सकती है। सिर्फ पास्ट पेपर्स। ओके, तो करेंसी डीवैल्यूएशन जो है हमारी वो क्या है, उसकी सक्सेसफुल होने की कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस सिचुएशन में करेंसी डीवैल्यूएशन जो है वो हमें फायदा दे सकती है या हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है, और उसके साथ साथ फिर लास्ट टॉपिक इसी की एक्सटेंशन में होगा, जे कर्व का। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है जी डीवैल्यूएशन। पहले समझ लें डीवैल्यूएशन होती क्या है, उसके कामयाब होने के कंडीशंस क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। डीवैल्यूएशन मीन ऑफिशियल लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज करेंसी अगेंस्ट द अदर करेंसीज विद इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये बात अच्छे तरीके से नोट कर लें, डीवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट में होगी। ये एमसीक्यूज की सेंस में भी वर्ड समझ लें, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जब करेंसी की वैल्यू डाउन जाएगी तो उसे कहा जाएगा डीवैल्यूएशन। हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया है। दूसरा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में जब करेंसी की वैल्यू डाउन जाएगी तो उसको हम डीवैल्यूएशन नहीं कहेंगे, उससे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। फाइनल रिजल्ट दोनों का एक ही है, करेंसी की वैल्यू डाउन जा रही है, लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट में करेंसी को डी, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक ने खुद अनाउंस किया हुआ था डॉलर 170 के इक्वल रहेगा। अब 2 महीने बाद अचानक सेंट्रल बैंक कहता है नहीं जी डॉलर 180 के इक्वल होगा, हमने अपनी करेंसी बाय अनाउंसमेंट खुद डीवैल्यू की है, दैट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, 170 से 180 पे आ गए हैं हम, अब एक डॉलर 180 का हो गया, डॉलर महंगा हो गया, हमारी करेंसी डाउन आ गई है। यही काम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में हो तो गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, वो तो डिमांड एंड सप्लाई से हो रहा है, डॉलर फिर भी 170 से 180 पर ही जा रहा है, लेकिन उस प्रोसेस को कहा जाता है डेप्रिसिएशन कि हमारी करेंसी की वैल्यू मार्केट में डेप्रिशिएट कर गई है। ये दो बहुत बड़े फर्क हैं, यानी इस लफ्ज से ही समझ आ जाती है। मतलब बुक में कहीं लिखा है करेंसी डीवैल्यूएशन विल नॉट हेल्प, तो ये समझ जाना चाहिए फिक्स एक्सचेंज रेट वाला कंट्री है उसको डीवैल्यूएशन का क्या नुकसान होगा। करेंसी डेप्रिसिएशन विल नॉट हेल्प, तो समझ जाना चाहिए कि ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है और उसमें वर्क कर रहा है। ओके जी, देन तो डीवैल्यूएशन क्या है और किस तरह से जो है वर्क करती है। The opposite of devaluation is called revaluation. ये तो just MCQs की sense में. Devaluation occur in a fixed exchange rate system and depreciation occurs in a floating exchange rate. IMF, International Monetary Fund allow member countries for devaluing up to 10% annually. एक साल में आप 10% से ज्यादा जो है वो अपनी, अगर आप fixed exchange rate पे चल रहे हैं तो आप 10% से ज्यादा, मसलन अगर पाकिस्तानी रुपी 170 हो, आप इसको डी वैल्यू करना चाहें तो एक साल में इसका 10% 17 रुपए बनेगा, यानी आप 1/187 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, इससे ज्यादा आप अपनी करेंसी को डी वैल्यू नहीं करेंगे। 10% डी वैल्यूएशन अलाउ करता है सेंट्रल बैंक, IMF, सेंट्रल बैंक नहीं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डी वैल्यूएशन, तीन ही मकसद है, क्यों डी वैल्यू कर रहे हैं भाई, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, दूसरा इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, और इन दोनों का रिजल्ट तीसरा क्या निकलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट खत्म करना है। फिक्स एक्सचेंज रेट वाला कंट्री है, उस कंट्री का डेफिसिट खत्म नहीं हो रहा, हर साल बीओपी डेफिसिट में जाता है, उस बीओपी डेफिसिट से निकलने के लिए वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देता है ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंपोर्ट्स कम हो जाएं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इस एडजस्टमेंट की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट खत्म हो जाए। लेकिन डीवैल्यूएशन के सक्सेसफुल होने के, इफेक्टिव होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर तो उस फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वाले कंट्री में ये कंडीशंस मौजूद होंगी तो वो कंट्री जो है वो डीवैल्यूएशन से फायदा उठा सकेगा, एक्सपोर्ट भी कम हो बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट भी कम हो जाएंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट भी रिड्यूस हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशंस उस कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती तो डीवैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं होगा, बेशक आप हर साल ही 10% डीवैल्यू करते चले जाए। देन पहली कंडीशन,
इसको कंबाइनली कहा जाता है मार्शल एंड लर्नर कंडीशन। दो प्रोफेसर्स थे इकोनॉमिक्स के, मार्शल एंड लर्नर, इन दोनों ने इसको इन डिटेल एक्सप्लेन किया और डिस्कस किया। पहली कंडीशन है इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स, अगर आपकी इंपोर्ट्स इन इलास्टिक है, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, अगर आपकी इंपोर्ट्स इन इलास्टिक है, इन दोनों सूरतों में डीवैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी इंपोर्ट्स इन इलास्टिक है और आप अपने कंट्री की करेंसी को डीवैल्यू कर देते हैं, आपने तो करेंसी डीवैल्यू की थी कि हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी जी, लेकिन आप तो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं तो आप अपनी करेंसी जितनी मर्जी डीवैल्यू कर दें, पेट्रोल की इंपोर्ट तो नहीं आप रोक सकते, पेट्रोल की इंपोर्ट तो नेसेसरी है, उसके बगैर तो आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी। तो इसलिए अगर आप इन इलास्टिक प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो आपकी इकोनॉमी को डीवैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं होगा। देन दूसरी साइड पे अगर आप इन इलास्टिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो भी डीवैल्यूएशन का आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? डीवैल्यूएशन की वजह से आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए थी, लेकिन आपकी प्रोडक्ट इन इलास्टिक है, आपने अपने प्रोडक्ट करेंसी की वैल्यू जो है वो 10% कम कर दी, एक्सपोर्ट सिर्फ 2% बढ़ी है, तो आपको उसका क्या फायदा हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि दोनों प्रोडक्ट्स मोर इलास्टिक होनी चाहिए, या मार्शल लर्नर ये कहते हैं कम अज कम मार्शल लर्नर ये कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स दोनों मिला के ही कम अज कम ग्रेटर देन 1 हो जाए। 1 से ऊपर को हम मोर इलास्टिक कहते हैं ना, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ा था कि जब इलास्टिसिटी 1 से ग्रेटर हो तो मोर इलास्टिक। वैसे तो बेहतरीन सिनेरियो है कि आपकी एक्सपोर्ट्स और आपकी इंपोर्ट दोनों ही मोर देन 1 हो, फिर बेहतरीन है, करेंसी डीवैल्यू करें, इंपोर्ट बहुत ज्यादा कम होगी, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बीओबी का बैलेंस करेक्ट हो गया। लेकिन एटलीस्ट मिनिमम कंडीशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की इलास्टिसिटी मिलाकर टोटली 1 से ग्रेटर हो जाए, तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो आपको रिसीव हो, अदरवाइज आपको फायदा नहीं होगा। देन नेक्स्ट कंडीशन कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, अपने मुल्क में इन्फ्लेशन कंट्रोल करें। अगर डीवैल्यूएशन के साथ आपके मुल्क में इन्फ्लेशन होती जा रही है, तो अभी तो हमने कहा कि डीवैल्यूएशन की कंट्री की प्रोडक्ट महंगी हो गई, तो फ्यूचर में आप और ज्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे क्योंकि आपके कंट्री से सस्ती तो अब बाहर मिलना शुरू हो गई है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना लाजमी है डीवैल्यूएशन के साथ। नो रिटेलिएशन बाय अदर कंट्रीज, जिस कंट्री के अगेंस्ट आपने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया है वो रिटेलिएट ना करे, ये ना हो कि वो भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला कंट्री हो, आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करें, वो भी अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दें, तो आप तो दोनों फिर इक्वल हो गए। देन नेक्स्ट सिचुएशन स्टेट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया के मुआशी हालात इस वक्त कैसे हैं, ये बहुत मैटर करता है। पूरी दुनिया में कोरोना आया हुआ है, आप अपनी करेंसी डीवैल्यू करके बैठ जाएं, फायदा ही कोई नहीं होना, वो बेचारे कमाने से रह गए हैं, लोगों की जॉब्स खत्म हो गई हैं, तो आपसे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, डीवैल्यूएशन का फायदा नहीं है। लेकिन जब दुनिया बूम की तरफ है, इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, अब आप करेंसी डीवैल्यू करें तो अब बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। तो दीज आर दी सिचुएशंस रिक्वायरमेंट्स कंडीशंस, डीवैल्यूएशन कब हमें फायदा देगी। लास्ट टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी काफी है, पास्ट पेपर्स में पूरा 10 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, अब इस टॉपिक को करने से पहले एक बात मेरी नोट आउट कर लें, इंशाल्लाह 2 या 3 दिन के अंदर जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जो है पूरे सिलेबस की, वो मैं हर साल ही देता होता हूँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, देखें एक अप्रोच ये है सीए में, क्योंकि गैस वगैरह का तो कुछ चांस ही नहीं है, आपने 100% सिलेबस तैयार करना होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा जजमेंट के जरिए ऐसा सिनारियो बना लिया जाए कि कम से कम 100% सिलेबस के बर्डन की बजाय स्टूडेंट का जो बर्डन है वो 70% तक आ जाए। वैसे भी स्टूडेंट यही करता है, अगर अपने आप को थोड़ा सा बचाना भी चाहे कि अच्छा 13 चैप्टर हैं यार, एक चैप्टर ये छोड़ देते हैं, एक वो, एक चलो 2 या 3 चैप्टर छोड़ देते हैं बाकी तैयार कर लेते हैं, या स्टूडेंट जो बर्डन कम करना चाहते हैं वो कहते हैं अच्छा इन 2-3 चैप्टर में से 1-2 टॉपिक छोड़ देते हैं और बर्डन जरा कम हो जाएगा। तो बजाय इस तरह के तुक्के लगाने से मैं हर साल कोशिश करता होता हूँ कि कोशिश की जाए कि जरा कैलकुलेशन के जरिए एक थोड़ा सा पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देख के एक मैं की बना के पूरे सिलेबस की जो है वो आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में ही। उसमें आप ये समझ लें, कोई ऐसा नहीं है कि आपको पूरे सिलेबस में 10 क्वेश्चन बता दिए जाएंगे कि ये आने हैं, ये कुछ सीए का पैटर्न नहीं है। उसमें तकरीबन आप ये समझ लें 30% टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस मैं कम कर दूंगा, 70% टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे ले आऊंगा,
वो 70% टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आप वो बेहतरीन तरीके से पूरे सिलेबस के तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पेपर प्रॉब्लम में नहीं आएगा। ये हमने पिछले 4-5 साल में प्रैक्टिस इसकी की, हमें बहुत फायदा हुआ। यानी आप कह लेंगे पिछले 4-5 अटेम्प्ट से किसी साल का भी पेपर जो है वो 90 मार्क्स का पेपर हर साल तकरीबन इसमें से आता है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफा भी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो अगर 90 मार्क्स का पेपर आपको 70% एरिया से मिल जाए जो आपने ज्यादा अच्छा तैयार किया है, तो फिर भी अगर कोई फेल हो जाए तो फिर तो बड़ी ज्यादती है कि उसे कोर्स भी रिड्यूस करके मिल जाए कि चलें जी 30% बर्डन। 30% बर्डन कम होने का मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट अपने तुक्के के तरीके से सोचना चाहे कि अच्छा 10 में से मैं 1-2-3 चैप्टर छोड़ के बाकी तैयार कर लूं, तो वो 30% बनेगा तकरीबन। तो हम जरा टेक्निकल तरीके से उसको कम कर लेते हैं, बर्डन आपका उतना ही कम होगा, लेकिन आपको जरा सिक्योर मिल जाएगा कि बाकी आप सिलेबस तैयार कर लें तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यह है कि उस 70% में फिर एक भी क्वेश्चन का मार्जिन नहीं है कि उस 70% में भी आप सिलेक्शन करें, क्योंकि फिर मैं उस 70% के लिए फेमसली कहता होता हूं कि इस 70% में जो क्वेश्चन छोड़ोगे वो लाजमी आएगा, बेशक एक ही छोड़ के देख लो। ओके, देन ये लास्ट टॉपिक कर ले हमजा, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। ओके जी, जे कर्व हमारे पास लास्ट टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। सिंपली पहले जे कर्व का सिंपल सिनारियो समझ लें, फिर हम जो है इसके ग्राफ कर लेते हैं। आसान सा टॉपिक है, देखें पाकिस्तान का बीओपी डेफिसिट में है, पाकिस्तान अपनी करेंसी अगर फिक्स एक्सचेंज रेट में होता तो लेट अस्यूम हमने कहा कि करेंसी डीवैल्यू कर दें, या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में है तो पाकिस्तान अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट होने देता है लेट अस्यूम। तो क्या इस डीवैल्यूएशन का और डेप्रिसिएशन का हमें फायदा होगा? अगर होगा तो कितना होगा, वो तो कंडीशंस ने बता दिया कि अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो बहुत फायदा है। और फिर ये फायदा क्या फौरी होगा या कुछ अरसे के बाद होगा, इस कॉन्सेप्ट को हम जे कर्व में करते हैं। थ्योरी ये कहती है कि अगर आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू या डेप्रिशिएट होने दे, दोनों में से किसी डायरेक्शन में चले जाएं, आप फिक्स एक्सचेंज रेट में हैं या फ्लोटिंग में हैं, अगर आप अपनी करेंसी को लोअर वैल्यू की तरफ जाने देते हैं तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अल्टीमेटली बेहतर होना है। लेकिन अगर आपने आज डीवैल्यू किया है तो पहले 2-4 महीने शायद इसका इंपैक्ट पहले से भी वर्स हो जाए। मसलन आप इसको पाकिस्तान में भी नोट करेंगे, इससे पिछले सेमेस्टर तक मैं ये एग्जांपल दिया करता था, पाकिस्तान ने जो है 2019 के शुरू में आप कह लें या मिड में करेंसी डीवैल्यूएशन की पॉलिसी शुरू में यूज की, तो करेंसी डीवैल्यू होने से सबसे पहले 4-6 महीने प्रॉब्लम्स आए, इतराजात आए जी वो क्या हो गया जी, करेंसी डीवैल्यू कर दिया जी, ना हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है ना इम्पोर्ट कम हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट अब भी उतना ही है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन किसी को जेकब का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। करेंसी डीवैल्यूएशन आप कह लें 2-4-6 महीने के बाद इम्पैक्ट देगी, और फिर वही हुआ कि अब मुसलसल हमारा डेफिसिट जो है वो कम से कम होता चला जा रहा है, बल्कि अब कोई कोई मंथ 12 महीने में से, पिछले लास्ट 12 महीने में से 2 मंथ हमारे सरप्लस में आ चुके हैं। तो पूरा एनुअल तो बाद में कैलकुलेट होगा, ओवरऑल शायद हम स्टिल नेगेटिव में ही हो, लेकिन कम से कम अगर डेफिसिट $16 बिलियन का था तो शायद वो 10 पे आ जाए, 10 का था तो शायद वो 4 पे आ जाए, तो पहले तो डेफिसिट कम होगा। आप मुसलसल यही पॉलिसी यूज करते रहे फिर डेफिसिट बैलेंस हो जाएगा, फिर अगर और भी यूज करेंगे सरप्लस में आप चले जाएंगे। तो दिस इज द मैकेनिज्म कि करेंसी डीवैल्यूएशन जो है वो फौरी तौर पर इंपैक्ट नहीं करती। अब नतीजा क्या निकलता है, लेट अस्यूम फिलहाल हमारा डेफिसिट जो है करंटली, मैं 2019 की बात कर रहा हूं, 2019 के शुरू में लेट अस्यूम हमारा डेफिसिट है जी $16 बिलियन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देती है, ये 2019 यहां पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, फिर 2019 का पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 2020 आ गया जी, 2021-22-23 ये टाइम फ्रेम है इस साइड पे। ओके, अब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस डेफिसिट को देखते हुए कि हम तो हमेशा से डेफिसिट में फंसे हुए हैं, हम अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट होने देते हैं, 120-125 से डॉलर 160 पे आ जाए, इस डेप्रिसिएशन से हमारी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। तो उसका नतीजा पहले 2-3 महीने डेफिसिट मजीद बढ़ गया, $17 बिलियन पे चला गया, $18 बिलियन, इवन मे बी $19 बिलियन पे चला गया। अब एतराजात आने शुरू हो गए, ये क्या जी डीवैल्यू भी कर दिया है, इंपोर्ट भी कम नहीं हो रही, एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही, बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले से भी बुरा हो गया है। फिर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट शुरू हो गया और अब आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव इंपैक्ट आता जा रहा है। इस चीज को आप कहते हैं, क्योंकि ये जो शेप बनती है कि पहले आप वर्स सिचुएशन में जाएंगे फिर इंप्रूव करेंगे, इस शेप को कहा जाता है जे कर्व। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में तो सिर्फ एक्सचेंज रेट से है, इसी कॉन्सेप्ट को एफबीआर या टैक्सेशन पर भी अप्लाई किया जाता है।
कि जब आप एफबीआर में इंप्रूवमेंट्स लाते हैं, टैक्स का निजाम बेहतर करते हैं, तो पहला प्रॉब्लम हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा जो है वो टैक्स कलेक्शन जो है वो, हम टैक्स में इस्लाहात लेके आते हैं, बेहतरी लेके आते हैं, हमारा पहले टैक्स जो है वो अपने टारगेट से, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, अपने टारगेट से 3,000 बिलियन नीचे था, जो भी टारगेट था टैक्स का। आप टैक्स डिसीजंस लेके आते हैं, इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, हम अपने टारगेट से 4,000 बिलियन नीचे आ जाते हैं, और ये तो टारगेट और ज्यादा मिस हो गया, जो टारगेट था वो पूरा ही नहीं हो सका। और 2019 में बिल्कुल यही हुआ एक तरह से, आप समझ लें, खासतौर पर शुरू के 6-8 महीनों में, आखिर पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई। अब 2020 से ऑनवर्ड आपको नजर आएगा कि अगेन आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो बेहतर होगा। तो ये जे कर्व का कॉन्सेप्ट जो है ये आपके सिलेबस में तो जो है वो एक्सचेंज रेट के लिहाज से है कि पहले आपका डेफिसिट बढ़ेगा, फिर डेफिसिट कम होगा, फिर आप नील पे पहुंच जाएंगे। आप मुसलसल इस पॉलिसी को यूज करते रहे तो 2-3 साल के बाद आपकी इकोनॉमी वीओपी सरप्लस में आ जाएगी। और इसी का उलट, ये 5 नंबर का हिस्सा है, व्हाट इज जे कर्व, कहां कैसे यूज होता है, इसी का उलट है इनवर्स जे कर्व। लेट अज्यूम हमारा कंट्री सरप्लस में है, जैसे चाइना का कंट्री है, मुसलसल 15 साल से सरप्लस में है जी। चाइना फॉर एग्जाम्पल $100 बिलियन सरप्लस में है हर साल ही। चाइना चाहता है इस सरप्लस को थोड़ा कम किया जाए, हमारी करेंसी की अप्रिसिएशन पे इंपैक्ट है, हमारी तो एक्सपोर्ट रुक जाएगी, अगर हमारी चाइनीज युआन और ज्यादा महंगा हो गया तो चाइना की तो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, तो चाइना इसको थोड़ा सा लोअर लाना चाहता है सरप्लस को। अब वो क्या करता है, वो फॉर एग्जाम्पल अपनी करेंसी को अप्रिशिएट कर देता है। ओके, अब अप्रिशिएट करने से क्या इंपैक्ट निकलेगा, वो तो चाहता था कि हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो और उसकी वजह से हमारा सरप्लस स्लाइटली रिड्यूस हो, लेकिन शुरू में अप्रिसिएशन का इवन फायदा होगा, 100 से 110 बिलियन डॉलर सरप्लस, 120 से 130, फिर जाके आप आहिस्ता आहिस्ता नील की तरफ आएंगे। एक्चुअली स्टेबल सिचुएशन दुनिया की ज्यादातर इकोनॉमीज के लिए है कि बीओपी इस लेवल पे रहे, आपका स्टेबल रहे, ना आप कह लें सरप्लस में ना जाए ना डेफिसिट में। सरप्लस का भी हम नुकसान कर चुके हैं, डेफिसिट का भी कर चुके हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इनवर्स जे कर्व। यानी आप अपनी करेंसी को एप्रिशिएट या रीवैल्यू करेंगे तो शुरू में आपका सरप्लस बढ़ेगा, फिर ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, और मजीद आप फॉलो करते चले जाएं तो फिर आप जो है वो आखिरकार डेफिसिट में जा सकते हैं। तो दिस इज, ये 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, व्हाट इज जे कर्व एंड इनवर्स जे कर्व, दोनों ग्राफ बना दें, एक्सप्लेन कर दें, अगर आधा हिस्सा आ जाता है तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जी। आप बताएं भाई, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज पूछना चाहते हो जी? अब्दुल्ला आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये जो अब आगे आने वाला टेस्ट है वो कौन सा होगा सर? 7-8 का सैटरडे को होगा? हाँ जी, 7 और 8 का, और इंशाल्लाह सैटरडे को होगा जी सर। ठीक है जी। हमजा आप क्या पूछना चाहते हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये आज क्लास लास्ट क्लास है आपकी? जी, क्लास आज लास्ट है, इसके बाद टेस्ट आपके इंशाल्लाह वीकली होते रहेंगे। उसके साथ आपको पता है क्योंकि आपका एएफसी का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाना है, तो आप एएफसी की तैयारी करें, पेपर्स दें, उसके बाद जब फिर हमें टाइम मिलेगा बीच में 1-2 दिन का, तो फिर हम 2 दिन की क्लास, और अगर तब तक इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस ओपन हो गई तो हम 2 दिन की क्लास कॉलेज में रखेंगे, और उसमें मैक्रो के आपके पास्ट पेपर्स, माइक्रो का पोर्शन तो हमने 5 का कर लिया हुआ है, तो उसमें हम मैक्रो के 5 पेपर्स भी पास्ट कर लेंगे, और अगर आपके कोई डाउट्स किसी एक टॉपिक के, 2 टॉपिक के, तो हम 2 दिन, 1.5-2 घंटे की क्लास एक रख लेंगे, लेकिन वो आपका इंशाल्लाह एएफसी के स्ट्रक्चर के दरमियान में कहीं, ताकि आप वो तैयार करें अच्छे तरीके से, पेपर दें, उसके बाद फिर कहीं। सर जी, सर सर वो ग्रुप के अंदर वो सेटिंग चेंज कर दें ताकि उस ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सके? नहीं, उसमें ना पूछें आप, आपने जो भी पूछना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेपरेट मुझे किया करें। उसकी असल में बच्चे वजह ये है कि उसमें जब आप करते हैं ना, तो वो फिर इतना बन जाता है, 70-80 स्टूडेंट हैं, 2-2, 3-3 भी टेक्स्ट करते हैं, तो वो मैंने अब एज ए टीचर देखना हो कि किसी ने सुबह कुछ पूछा जा था या नहीं, मैं शाम को देखता हूँ, मेरे लिए तो मुसीबत है, मैं 80 में 80 कहाँ से पढ़ूंगा। तो आपको कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं, आप कुछ पूछना चाहते हैं आप उसी ग्रुप में से वो सेटिंग्स में से ऊपर क्लिक करें, वहां से आप सेंड टू टेक्स्ट कर दें, मुझे पता भी चल जाएगा कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं। जब आप डायरेक्टली कर देते हैं ना, मतलब आप सिंपली वैसे ही मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मुझे तो पहले सोचना पड़ता है कि आप किस कॉलेज के हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे तो नहीं हूँ, मैं कॉमर्स कॉलेज में भी हूँ, बीएस के भी स्टूडेंट है मेरे पास, बीकॉम है, बीबीए है, तो वो मुझे अपने ग्रुप से लिंक करके भेजा करें, वो ऊपर लिखा आ जाता है कि ये जो है वो CAF 2 का सब्जेक्ट है, और ठीक है आपका ग्रुप है, तो मुझे आइडिया हो जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको मैंने इस सिनेरियो में
जो है वो एक्सप्लेन करना है। ओके सर। ओके जी, देन जी शावेद आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वो जो रिमेनिंग वो जो टेस्ट है हमने दिए हुए हैं वो चेक हो गए कब तक मिलेगा? वो आपके बच्चे चार तो हो चुके हैं अपलोड, दो रह गए हैं, वो इंशाल्लाह साथ साथ होते जाएंगे। चार अपलोड हो गए हैं, मैं क्यूम को कह दूंगा। उन चार में से कितनों के लिंक आपको मिल गए हैं? एक के, दो के, तीन के, कितनों के? अभी तक कोई भी नहीं मिला। कोई भी नहीं मिला, मैं अभी कह देता हूँ उन चार के तो आपको ले। आपका चैप्टर नंबर वन चेक हो गया है, टू चेक हो गया है, और फाइव चेक हो गया है, सिक्स वाला भी चेक हो गया है, तो चार तो हो चुके हैं, आपको लिंक आ जाएगा इंशाल्लाह इन चारों का। ओके जी, देन जी मोहम्मद अली आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी सर, वो ट्यूजडे का और वेडनेसडे का सर लेक्चर अपलोड करवा दें। यार लेक्चर का आप उसको कयूम को या मिशाजिया को कह दिया करें, क्योंकि ना मुझे आइडिया है कि वो कैसे सेव करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या, या तो मेरी को एक्सेस हो ना फिर तो मैं डायरेक्ट कर दूं। आप मिशाजिया को कॉल करके जिस दिन का प्रॉब्लम है उसका कह दें कि मिस ये करवा दें काइंडली, तो वो कयूम को खुद ही कह देंगे। चलो ठीक है सर। हाँ कोई मसला नहीं। ओके जी, आज के लिए सफिशियंट है बच्चे, बेहतरीन तरीके से तैयारी करें अच्छे तरीके से। आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके टेस्ट भी होते रहेंगे। AFC एग्जाम को ज्यादा फोकस करके उसकी ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि उस एग्जाम के बाद आपको इसके लिए दोबारा टाइम मिल जाना है। कुछ जरूरत हुई तो हम एक दो दिन की क्लासेस भी रख लेंगे, स्लाइड रिवीजन भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स जो है उनको कवर भी कर लेंगे। तो AFC को भी साथ फोकस करें, इसके भी टेस्ट दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर AFC एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर CAF। अच्छे तरीके से मेहनत करें, बाकी इंशाल्लाह फिर रब्ता रहेगा व्हाट्सएप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।